राष्ट्रवादी इस्लामिक प्रचारक जाकिर नायक ने प्रस्तावित वक्फ विधेयक का विरोध का किया। यही नहीं, भगोड़े इस्लामिक प्रचारक ने भारत के मुसलमानों को उकसाने की भी कोशिश की और कहा कि आप लोगों को इसके लिए एकजुट होकर विरोध करना चाहिए। जाकिर नायक ने कहा कि मौजूदा भाजपा और उसके गठबंधन की सरकार बीते 10 सालों की तरह ताकतवर नहीं है, इसलिए आप मजबूती से विरोध करेंगे तो उनके कदम वापस हो जाएंगे। जाकिर नायक ने वीडियो जारी करते हुए कहा कि भारत में 21 करोड़ से ज़्यादा मुसलमान हैं, यदि उसके 2.5% यानी 50 लाख लोग भी वक्फ बिल का विरोध करें तो फिर से रोका जा सकता है। जाकिर नायक ने एक लिंक भी जारी किया और मुसलमानों से अपील करते हुए कहा कि आप लोग इसके खिलाफ मतदान करें। जाकिर नायक ने वक्फ संपत्ति को सिर्फ मुसलमानों की ज़मीन बताते हुए कहा कि भारत में ज़मीन के मामले में वक्फ बोर्ड तीसरे नंबर पे है, ये कोई सार्वजनिक संपत्ति नहीं है, ये मैं भारत के गैर मुसलमानों को बताना चाहता हूँ। इसके तहत वो ज़मीनें आती हैं जिन्हें मुसलमानों ने इतिहास में दान किया, इसलिए कोई गैर मुस्लिम इसमें दखल नहीं दे सकता और भारत का संविधान इसकी सुरक्षा देता है। ये मुस्लिम विरोधी सरकार वक्फ बिल के जरिए कुचलना चाहती है। जाकिर नायक ने कहा कि इस बार भाजपा उतनी मजबूत नहीं, वो बीते 10 सालों की तरह मजबूत नहीं रह गई है। वहीं विपक्ष अब पहले की तरह मुकाबला अच्छी स्थिति में है। जाकिर नायक ने कहा कि यदि ये बिल पास हुआ तो फिर हजारों मस्जिदों, मदरसों और कब्रिस्तानों को मुसलमानों से छीन लिया जाएगा। यदि हम इसे नहीं रोक पाए तो फिर हमारी अगली पुश्तें माफ नहीं करेंगी। वो कहेंगी कि हमारे पुरखों की ज़मीनों को सौंप दिया गया, ये पूरी उम्मा के लिए फ़ायदेमंद है। जाकिर नायक अक्सर विवादित बयान देता रहा और धर्मांतरण कराने, हिंदू देवी देवताओं पर आपत्तिजनक टिप्पणियों को लेकर उस पर सवाल उठते रहे हैं। भगोड़ा इस्लामिक प्रचारक फिलहाल मलेशिया में बसा हुआ है, वहीं से अब वो वीडियो जारी करता रहता है। उसके खिलाफ भारत में मनी लॉन्ड्रिंग, नफरत फैलाने और गैर कानूनी गतिविधियों में हिस्सा लेने का आरोप केस दर्ज है। वो 2016 में ही भारत छोड़कर भाग निकला था। जाकिर नायक के भाषण अक्सर हिंदू देवी देवताओं पर आपत्तिजनक टिप्पणियों से भरे रहते हैं, इसी के चलते लोगों ने बड़े पैमाने पर उसका विरोध किया था और सरकार हरकत में आई थी। ऐसी अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।